हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो ये देखा आपने, मैंने एक्चुअली वो डांस का हमारा वीडियो ना मैंने स्पीड कर दिया क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा गाना में, इसलिए। तो बस आज मैं ये ब्लॉग यहाँ अभी दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ लंच के टाइम से। ये देखिए, हम लोग सब आज दही पकौड़े खा रहे थे। ये हमारा मेन्यू था आज, रेसिपी देखिए। आज सबका मन हुआ दही पकौड़े खाने का। हमारे उड़ीसा के लोग तो खाते ही आप जानते हैं बहुत ये डिश। ये आज हमारा बर्थडे था, उसका दूसरा दिन हम का दिन है ये। तो आज मैं सेलिब्रेट करूँगी ना आयुष का बर्थडे, तो मैंने बोला चलो ब्लॉग बनाती हूँ आज। तो लेट से स्टार्ट की क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी थी। तो देखिए, हम सारे बैठ के ऐसे खा रहे हैं। आज डाइनिंग में खाने का मन नहीं हुआ क्योंकि पकौड़े भात नीचे ही खाने में ज़्यादा मन होता है ना, अच्छा लगता है। ऊपर बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती है। फिर हम चारों ऐसे ही बैठ गए और खा रहे थे। आयुष भी नहीं खाया था, सब खा लिए थे, हम बचे थे और सारे हम लोग बैठ के ऐसे नीचे में खा रहे थे। तो आज का ब्लॉग भी प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। शाम को इसका बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसका तैयारी भी करना है। तो आज दिन भर टाइम ही नहीं है, हमें सब कुछ ना कुछ करने में लगे रहेंगे। अभी खाना खाने के बाद इसका डेकोरेशन करना बाकी है, वो करेंगे अभी हम। तो बस जल्दी जल्दी खाना खा ले, किचन वगैरह सजा ले, फिर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। बस आगे हम खाना वाना निपटा के सारा काम करके डेकोरेशन स्टार्ट कर लें। ये लोग बैलून फुला के रखे थे, रीशा और आयुष, सॉरी राखी और आयुष, कुछ थोड़े ही किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। फिर ये देखो पिंकी कर रही है और रीशा उठ गई थी सो के। दिया हमने कि नहीं तुम आएगी तो फिर रीशा भी आएगी तो फिर वो कुछ करने नहीं देगी हमको, इसलिए हमने उसको मना कर दिया था। और रीना थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, खुली में थोड़ा सा रेस्ट करके आ रही हूँ क्योंकि वो बेचारी क्या करूँ, उनको शुगर है ना थोड़ा सा, तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है उनके लिए भी। वो तो मेडिसिन वगैरह खा के वो रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा, वो थोड़ी देर में बाद वो भी आ गई थी। तो बस हमारा डेकोरेशन का काम चल रहा था। ये रही रीसा का मंदिर, बहुत देर तक उसकी मम्मी ने रखा, बाद में ये नहीं रह पाई रूम में, तो ये भी आई है। बैलून फुला रही है, देखो यहाँ ये लोग बैलून फुला रहे हैं। नहीं, वो सरप्राइज है, वो रात को दिखाऊंगी डायरेक्ट। ओके ठीक है, डेकोरेशन अभी आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, रात को दिखाऊंगी। लेके जा रही है, आज का ब्लॉग दो पार्ट में आ सकता है, ठीक है। गिफ्ट खोलने का एक पार्ट, गिफ्ट खोलने का अलग पार्ट, आज का भी दो पार्ट आ सकता है। वो गिफ्ट का तो अलग बनेगा, आज का ब्लॉग नेक्स्ट, आज का ब्लॉग दो पार्ट में आ सकता है। बर्थडे ब्लॉग लंबा है। हवा भर रही है, देखो हवा भर रही है, गर्मी बहुत लग रहा है ऊपर में। ये हमारा ऊपर वाला घर है, आपको पता है, तो यहीं पर हम बर्थडे सेलिब्रेट करें ताकि कचरा ना हो घर नीचे, उनसे कितना साफ करें। इसी के लिए हम लोग ऊपर बैठ के कर रहे हैं, बैलून ऐसे ही खुला के ऐसे ही रख दिए और आधा लगाए हैं, वो आपको रात को दिखाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हो गया शाम, अभी सारे बच्चे देखिए आ गए, आयुष के क्लासमेट है ये सारे और कुछ अगल बगल के बच्चे भी है। ज़्यादा लोग को हम नहीं बुलाए थे, बस हम घर के लोग इतने थे और साइज के दो चार पांच फ्रेंड थे। ये रीसा देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना, रेडी हो गई, शाम को भी सब रेडी हो गए। हमने मेन्यू में भी वैसे ही रखा है जो बच्चों को पसंद आती है, तो हमने मेन्यू में भी वही रखा है। ज़्यादा घर में कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, बनाया था ऐसा नहीं बनाया था,
पर बच्चों को जो पसंद है हम उसी हिसाब से मेनू रखे थे, तो आपको मैं दिखाऊंगी हमने क्या क्या मेनू रखा था। और ये देखो सारे रेडी हो गए, सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अरे कोल्ड ड्रिंक है जो फ्रीजर में पिला, मुझे जानी भी नहीं पानी को रखी थी छोड़, और बाहर पानी नहीं टिके पका ली। हां और इसमें कोई शर्म नहीं लेता कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर में कर को मां देख सी आपकी हबीबी वेलकम टू माय होम। बहुत ज्यादा ये बात हाँ जाओ ए पिंकी तुम्हें भी जाना ए बरसा तू भी जा ए सांग जा ए आयु तुझे फोटो है दे काका काकी संग रे फोटो है दे मुंह ठीक करा यूज ओ तो मुंह रे केक लागी छे के आती लगे तरे छे ए दिना से मुंह से उधर कोई नहीं आ जाओ जाओ चिड़िया आ दुई दमा की चिड़ी हुए और एक दुई दमा बहुत गर्मी लग रहा रे दुई दमा बेटा दुई दमा तो बस केक कटिंग होने के बाद सारे बच्चों के खाने लग गए थे, कोल्ड ड्रिंक्स पहले ही पी लिए थे बच्चों ने, सबको सर्व कर दिया था हमने। अभी बच्चे उनके फेवरेट रेसिपी खा रहे हैं, सॉरी मेनू जो हमने रखा था, पैटीज, गुलाब जामुन, मोमोज, चाउमीन, बच्चों को तो यही पसंद है तो हमने इसी हिसाब से मेनू रखा था। और उनको बोला कि आपको जितना खाना आप खा सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगा, पेट भर खाओ घर जाके ताकि और खाना नहीं खाओ, है ना। तो बच्चों को तो यही पसंद है तो हमने इसी हिसाब से मेनू रखा था। तो देखिए रीसा भी हमारी बैठ के इनके साथ कितने मज़े से खा रही है, उसने बहुत अच्छे से खाया है सारे बच्चों के साथ बैठ के, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ा कि ये लोग इतने बड़े हैं उससे, पर वो मस्त बैठ के खा रही थी, उसको भी मज़ा आ रहा था इतने सारे बच्चों को देख के, वो भी खूब इंजॉय कर रही थी। तो अभी तो हम रीसा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो बड़े होगी तो उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके दोस्तों को फिर बुलाएंगे, अभी वो छोटी है तो हम इसीलिए नहीं करते हैं, बड़ी हो जाएगी तो करेंगे उसका भी। तो बस सबका हो गया खाना पीना, हमने सबने थक गए थे, सब चेंज कर लिए, अब हमारा खाना पीना चल रहा है यहाँ पर ही, हमने भी वही खाया। बस वर्षा को पसंद नहीं है इस जंक फूड वगैरह ज़्यादा, तो वो बीरी का पीठा खा रही थी, अब हमने भी ज़्यादा नहीं खाया, थक गए थे सारे, तो बस थोड़ा थोड़ा खाए। तो बस ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आप सब हमें प्यार देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमने सारा आइटम तो नहीं लिया, हाँ मंचूरियन भी था एक, मैंने सारा आइटम नहीं लिया, जो थोड़ा बहुत खाना था वही लिया मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा, बाकी सब भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही खाए। तो बस हो गया रात के, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था हमारा, जल्दी निपट गया था, ज़्यादा देर नहीं हुआ था। तो बस यहीं मैं अब एंड करती हूँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए आपका। हम छोटे लोगों को भी ब्लॉग बनाने का अच्छा सा मौका दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े, सो प्लीज़ बाय बाय। और राखी का बाय बाय सेवा कर रही है, मामू मामू सेवा चल रहा है, इधर मामू सेवा चल रहा है राखी का। चलो बाय बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट आएगा गिफ्ट।